बिसम अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह पाक आप सब के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए आमीन तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत नेक डिज़ाइन बनाने का तरीका बताऊँगी और बहुत ही ईज़ी ट्रिक के साथ आपको बताऊँगी ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी अपरफेक्ट शेप के साथ इस गले को बना सकें तो इस गले को बनाने के लिए ये देखिए सबसे पहले मैंने बुकरम कट कर लिया है और इस बुकरम की जो चुड़ाई है वो तकरीबन फोर पॉइंट फाइव इंचज़ है जिसे मैंने फ़ोल्ड किया हुआ है ये देखिए इस तरह से इसे मैंने फ़ोल्ड करके रखा हुआ है उसके बाद जो इसकी लेंथ है वो हमें तकरीबन चाहिए एटीन इंचिस अब हम अपना जो गले का पैटर्न है वो ड्रा कर लेते हैं उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो मैं 3.5 पॉइंट पे लगा रही हूँ और उसके बाद हम इसकी लेंथ लगाएंगे निशान 5.5 इंचेस पॉइंट पर यहाँ पे साढ़े तीन इंच पर इस तरह से हम अगेन यहाँ से भी निशान लगाएंगे ताकि जो हमारा पैटर्न है ये यह देखिए यहाँ से भी हम चेक कर लेंगे कि फाइव पॉइंट ही होना चाहिए अब स्केल की मदद से हम लाइंस ड्रा कर लेंगे इसके बाद हमने यहाँ पर यह देखिए इस कॉर्नर पर ये जो ओपन है जिस साइड से बुकरम उस कॉर्नर पर हमने 1.5 पॉइंट पर यहाँ पर एक मार्क लगाना है और ऊपर से हमने हाफ़ इंच पर एक मार्क लगाना है उसके बाद आपने अपने डिनर साइड की जो सबसे छोटी वाली प्लेट होती है वो आपने इस तरह से ले लेना है इसको और उसे आपने इस तरह रखना है इस निशान पे और दूसरी साइड से हमने जो हमारा जहाँ पे एंडिंग हो रही है इस तरह से हमने रखना है इसको और यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रा कर देनी है देखिए ये हमारी लाइन जुड़ा हो गई है अब इसके बाद हमने ये देखिए यहाँ पे जो लाइन जुड़ा हुई है यहाँ पे हमने तीन पॉइंट पर ये निशान लगाया है अब हमने इस निशान पर और जो ऊपर हमने निशान लगाया था वहाँ पर हमने इस तरह से इसे रखना है अपने प्लेट को और इस तरह से निशान लगा देना है तो ये आप देख सकते हैं कि कितना इजी वे से हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया और कितना प्रॉपर तरीके से बन के रेडी हुआ है अक्सर आपको इस शेप को बनाने में मुश्किल होती है लेकिन इस तरह से बिगनर्स भी जो है ना वो बहुत इजीली इस को चीज़ को बना सकते हैं उसके बाद नीचे से हाफ इंच पर मैंने एक निशान लगाया और उसके बाद बिल्कुल वन पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमने एक सीधी लाइन नीचे तक ड्रा कर लेनी है इसके बाद अब हम इसके बाद अब हमने यहाँ पर अपने बुकरम को जहाँ से कट करना है उस पर हम निशान लगाएंगे तकरीबन क्वार्टर इंच पर आपने इस तरह से निशान लगाते जाना है इन सब निशानों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रा कर लेंगे ये देखिए ये हमारा जो गले का पैटर्न है वो कंप्लीट ड्रा हो चुका है अब यहाँ से हम इसको कट कर देंगे अब हम इनर साइड से इसकी कटिंग कर लेंगे और अब हम इसे कमीज की जो उल्टी साइड है वहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे बुकरम को तो ये देखिए ये हमने अपने शर्ट पर बुकरम को पेस्ट इस तरह से कर लिया है और हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेना है जिसकी भी आप पाइपिंग शो करना चाहते हैं इस बुकरम के साथ साथ ही इस बुकरम का जो हमने गला लगा दिया है ये देखिए दस इंच इसकी चौड़ाई है पहले मैं आपको ये बता दूं दस इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई जो है वो हम अपने गले से एक इंच ज़्यादा ले लेंगे यानी कि अगर अट्ठारह है तो आप उन्नीस या बीस इंच बीस इंच आप कोशिश करें कि कपड़े की लेंथ ले लें उसके बाद हमने इस तरह से रखना है कपड़े को सीधी साइड की कमीज की सीधी साइड की तरफ कपड़े की सीधी साइड को रखना है और हमने यहाँ पर बुकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगाते जाना है ये यह देखिए यहाँ पर जितनी भी आप अपनी सिलाई शो करना चाहते हैं थोड़ी थोड़ी पाइपिंग शो करना चाहते हैं उतना ही हम बुकरम के ऊपर सिलाई लेके जाएंगे तो अब हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं अच्छा ये बहुत ही ईजी मैथड या इसके कि आप एक अलहदा कपड़े से पाइपिंग करें या डोरी से पाइपिंग करें तो इस तरीके से पाइपिंग करना एक तो बहुत इजी है और जो आपने गला ऑलरेडी बना रहे हैं उसी पर ही आपकी पाइपिंग हो जाती है और बहुत ही सफाई के साथ पाइपिंग होती है हर कोई ये पाइपिंग जो है वो बहुत इजीली कर सकता है तो अब हम इसको सिलाई करना शुरू करते हैं हमने बुकरम के ऊपर ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है देखिए इस तरह से पूरी बकरम पर हमने बकरम के ऊपर ऊपर सिलाई लगा ली है अब हम ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे तकरीबन हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमने कट करना है और सेंटर से ये देखिए हमें कपड़ा नहीं निकालना है जस्ट हमने इसको सेंटर से कट करना है अच्छी तरह आप नीचे से देख के ताकि आपकी शर्ट पर ना लग जाए तो एहतियात से आपने काटना है उसके बाद आपने इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है पे हमने अच्छे से इस तरह से कट लगा लेने से हमने ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इधर से हमने बुकरम से तकरीबन हाफ इंच छोड़ते हुए इसे हम कट कर देंगे बुकरम की शेप के साथ साथ देखिए नीचे से आपने किस तरह नीचे से भी बिल्कुल इसी तरह ही आपने इसको कपड़े को इस तरह से मोड़ते जाना है और साथ साथ आयरन करते जाएंगे तो यहाँ से भी आपका बिल्कुल परफेक्ट कॉर्नर बनेगा नीचे से भी और कोई भी बिल्कुल ये देखिए भी मैंने इसे आयरन भी नहीं किया तो ये देखिए बिल्कुल भी कोई झोल नहीं है और बहुत ही सफाई के साथ ये बन के रेडी होगा तो ये देखिए इसे बैग से मैंने कपड़े को कट कर दिया था इसे आयरन मैंने कर लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हाफ इंच उसे मैंने नीचे की तरफ़ मोड़ के और उसे अच्छे से मैं उसे मैंने अच्छे से आयरन कर लिया अच्छा ये देखिए जहाँ पे हमारी गुलाइयाँ आ रही है ना यहाँ पर हमने इस तरह से कच लगा लेने हैं ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अंदर आसानी से टर्न हो जाए अंदर की तरफ उसके बाद नीचे से भी हमने इस तरह सारा कपड़ा फोल्ड करते हुए इसे आयरन कर लेना है को अच्छे से मैंने आयरन कर लिया है ये हमारा गला बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ बना है और हमारी पाइपिंग भी बहुत ही सफाई के साथ बनी है बैग से भी मैंने इसे तरपाई कर लिया है इसके बाद हमने ये गले के नीचे लगाने के लिए इस तरह से एक कपड़ा लेना है जिसकी लंबाई तकरीबन चौदह इंच है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन तीन इंच है तो इसको अब हमने यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड करना है और उसके बाद बिल्कुल इसके किनारे पर इस तरह से हमने सिलाई लगा देनी है इस फैब्रिक पे मैंने इस तरह से सिलाई लगाई है और अब हम इसे पलट के इस तरह से सीधा कर लेंगे तरह से इसे अच्छा सा पलट के सीधा करने के बाद हम इसे आयरन कर लेंगे और इसे हम गले के नीचे लगाने के लिए यूज़ करेंगे हमने क्या करना है कि ये जो हमने पाइपिंग की है ना बिल्कुल इसकी जड़ में हमने सिलाई लगानी है इस तरह से कि हमारी सिलाई ना तो पाइपिंग पे नज़र आए और ना ही हमारी शर्ट पे नज़र आए तो इस तरह से हमने पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ इस तरह हमने सिलाई लगाते जाना है ये बाद हमने ये दोनों पार्ट्स जो हैं नीचे से इनको बराबर करके और यहाँ पर आप चाक की मदद से एक निशान लगा लें जहाँ पे आपने अपने गले को बंद करना है था, इसको इस तरह से रखना है हमने साढ़े पाँच इंच गले की लंबाई रखी थी वहीं पर साढ़े पाँच या छः इंच पर आपने निशान लगाना है और इस तरह से वहाँ से हमने इस फैबरिक को इस तरह से रखते जाना है अब इस फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हम बिल्कुल अपनी जो पाइपिंग है उसके साथ साथ सिलाई लगाते जाएंगे यहाँ पर हमने अपने गले हमारा गला बन के रेडी हो गया है देखिए माशाल्लाह कितनी परफेक्ट शेप बनी है और कितनी सफाई के साथ हमारा गला बन के रेडी हुआ है शर्ट का गला बहुत ही सफाई के साथ उसके बाद ये मैं कॉर्नर आपको नीचे से नहीं दिखाना चाहती हूँ देखिए बिल्कुल भी कोई झोल नहीं है बहुत ही सफाई के साथ जो गला है वो बना है अब हम इस पर बटन्स अटैच कर लेंगे तो ये देखिए ये हमारी शर्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी है इस पर मैंने बटन्स भी अटैच कर ली हैं और आप चाहें तो इस पर चसल्स वग़ैरह भी लगा सकते हैं अच्छा ये जो बटन मैंने लगाए हैं ना ये मैंने इस तरह का प्लेन कपड़ा लेते हुए और इन बटन्स के दरमियान मैंने तकरीबन दो दो इंच का गैप छोड़ा है और दो दो इंच का गैप छोड़ते हुए इस तरह से मैंने इस पर पांच बटन अटैच किए हैं और उसके बाद ये बच्चन मैंने बनाए किस तरह है ये देखिए मैं आपको बताती हूँ ये मैंने प्लेन कपड़ा लिया है ये जो ये वाला हमारा प्लेन इस तरह का मैंने फैब्रिक लिया है और उसके ऊपर मैंने नेट लगा के और फिर इनको बनवाया है बाज़ार से जिस तरह से हम ये बटन बनवाते हैं तो मैंने इसे इनके ऊपर नेट लगा के और फिर इन्हें बनवाया तो ये बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत और परफेक्ट हमारा गला जो है वो बन के रेट हुआ है मैंने आपको बहुत इजी मेथड के साथ और ये गला बनाने का तरीका बताया आप चाहें तो इस पर जसल्स भी लगा सकते हैं और इसको ऐसे भी पहन सकते हैं